मैं चाय पी रहा था ना तब से मेरे को अनइजीनेस। देख सकते हैं जिनकी ट्रेनें लेट हैं या जिनकी ट्रेन जो है कल आने वाली है लेट भी लेट। देखिए कितने पब्लिक जो है यहाँ पे सो रखी है अभी। तो चलिए भाई का भी जो है ना जितना हो सकता है दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी प्यार बनाए रखिए हम। अरे क्या बात करते हो यार। अरे यार ना चाय पानी पी ले। अरे यार कैसी बात करो, मेरे से चाहिए मेरे से ले। भाई को फिर से देखिए अंदर रेड कलर का। तो बाय, फिर से मिलेंगे दोस्त। स्टेशन के बाहर में थोड़ा सा दिक्कत का माहौल है। देखो भाई रतलाम का जो है ना बाहर का स्टेशन का ये भी इन आउट ही है और आगे से भी है। बाहर का जो नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं, भाई लोग पी भी रहे हैं। अब ये भाई है, अब इनका देखो स्टोरी सुनो अब क्या है भाई, अब बताओ मुझे क्या दिक्कत हुई। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ हुई ना वो किसी के साथ भी हो सकता है और ये बात आप भी जानते हो कि वो किसी के साथ सकता है, ठीक है। आपका पैसा आपका वो दोनों के दोनों गायब ही हो गए, ठीक है। आपको जहाँ भी जाना है वो तो मैं भेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन एक बात सॉरी क्यों थोड़ा सा दो मिनट प्लीज। हाँ तो एक तो बोलता है भाई पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, ठंडा पानी है पियो, आपके लिए लेके आया, ढक्कन दे देना आप इनको। ये लो आपके लिए लेके आया। अरे आपके लिए मैंने वैसा नहीं, नया लेके आया सर आपके लिए, समझ गया। हाँ भाई लोग बहुत दिक्कत होती है, देखो इतनी भीषण गर्मी है ना, चक्कर किसी को भी आ सकता है ऐसी गर्मी में, क्यों सर जी सही है ना। तो आप लोग भी सबकी हेल्प करो, रास्ते में ऐसे चलते रहना तो किसी के साथ हो सकता है और सबकी सहायता करनी चाहिए, क्या कहते हो। ठीक है देखो भैया को पानी लग दिया, लेकिन क्या है अभी क्या इनको और इंटरनल प्रॉब्लम क्या है वो अपने को पता नहीं चल रहा है, पता चले तो जितना हो सके उतना हम करें उनके लिए। देखो भाई लोग ये चाय पिए चक्कर आ गया, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे लोग कोई भी देखो हो किसी के साथ सकता है, आप सबकी सहायता करो, ठीक है ना। पीछे दो चार लोग चर्सी हैं, ज़्यादा रतलाम स्टेशन के बाहर में थोड़ा सा दिक्कत का माहौल है, तो आप जो है ना ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, और अपना बस पॉजिटिवनेस लेके आगे बढ़ जाए, है ना। अभी देखिए मैंने चाय पिया उसको पैसे दे रहा था उसमें चक्कर आ गया, मैं गिर गया। पीपी लोग पहले गिर गया, लग रहा है पीपी लोग पैसा दे नहीं, इसके पहले गिर गया था। हाँ उसके पहले मैं चाय पी रहा था ना तब से मेरे को अनइजीनेस लग रहा था, वो क्या बार बार वो बोल रहा था कि दे दो दे दो दे दो, मैं उसको पैसे देने उठा। आप जो है ना पर्स को थोड़ा सा ध्यान से रखो, वो पर्स में वो भाई वो वहीं पे कांड किया किसी ने, नीचे ही मारा है, ठीक है ना। नहीं मिल गया फिर वो तो ठीक है, वो क्या है ना किसी ने मारा ही है, ध्यान दे दिया कि मेरा पर्स पर्स नहीं है, नहीं तो वो तो फिर गायब ही हो जाना बाद में, आप अगर निकल जाते तो गायब पर्स गायब हो जाए, आप जाओ रजिस्ट्रेशन दे दे। चलो यार थैंक यू, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, बड़ोड़ा में इधर प्रॉपर रहते हो, बड़ोड़ा में। मैं उज्जैन गया था इसके लिए टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, शांति एक्सप्रेस में यहाँ तक टिकट मिला रतलाम तक। अच्छा अब रतलाम से आगे वो नाथद्वारा में। चलो हमारे साथ चलो। चलिए भाई हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू होगी, फिलहाल जो है जितना हम कर सकते उतना जरूर करेंगे, फिलहाल इन भाई के लिए करना है। हाँ गुरु तो आपका क्या, आप बता दो आपका क्या प्रॉब्लम था। मेरा प्रॉब्लम यह था काम करने के लिए लेके आया था लड़का, स्टेशन पे मिला था तो बोला मैं सूरत में काम दिलाऊंगा, उसके बाद क्या करा मैं सो गया तो रात पैसा लेके मोबाइल लेके बात करते करते निकल गया लेके चला गया। और आप दूसरी ट्रेन में फिर हाँ। फिर वापस उधर आए, कहाँ उतारा टीटी ने आपको, बड़ोड़ा उतार दिया। और अभी आप कहाँ जा रहे थे, अभी जा रहा जयपुर जा रहा था, तो फिर उतर क्यों गए। वही तो इसलिए तो परेशानी में, अगला अब जाना क्या घर को क्या वापस जाना है हाँ। जो टीटी उतार दे रहा था बार बार इसलिए मेरा मन छोटा हो गया। अभी रतलाम में क्यों उतर गए, किसके कहने पे, आप बोले मदद करेंगे बल्कि इसलिए। अच्छा हमने बोला मदद करेंगे इसलिए आप उतर गए, है ना। चलिए भाई देखो इनको सिकंदराबाद जाना है, जैसा ये भाई बोल रहे हैं कि सिकंदराबाद जाना है इनको, तो हमने कहा कि अगर सिकंदराबाद में जॉब आपका कंफर्म है तो आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं है देखो जितना मेरे पास है मैं उसमें हेल्प कर देता हूँ, आपका जनरल टिकट का खर्चा जो है मैं आपको टिकट खरीद के दे देता हूँ, ट्रेन बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भोपाल और भोपाल से 6-7 ट्रेनें हैं तो वहाँ से आप आराम से चले जाइएगा सिकंदराबाद। तो चलिए भाई का भी जो है ना
जितना हो सकता है दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी प्यार बनाए रखिए हम पे, और इतना लाइक बना दीजिए कम से कम कि यार ऐसे लोगों का जो लोग चलते हैं ना मेरे सामने से कोई खाली हाथ ना जा पाए बस, ठीक है। तो चले फिलहाल इस भाई का मदद करते हैं। अब सिकंदराबाद है ना? हाँ, एक सिकंदराबाद का था वाया भोपाल का। और यहाँ से भोपाल के लिए तो अभी 5 बजे है, और वहाँ भोपाल से तो बहुत सारी ट्रेनें हैं जो सिकंदराबाद जाने के लिए, यहाँ से कोई ट्रेन तो है नहीं डायरेक्ट अभी। ट्रेन पर मिले गए चलो के लिए कितने नंबर मिले गए? वही देखो, ये रहा टिकट सिकंदराबाद का, हमने ले लिया है, ठीक है, ये भाई के लिए। और इसमें क्या है कि ये वाया भोपाल होते ही तो यहाँ से भोपाल निकल लेंगे, और भोपाल से जो है ट्रेन में बता देता हूँ इनको, तो वहाँ से जो है ना ये सिकंदराबाद निकल लेंगे। लो भाई, तो अभी कुछ कहना चाहोगे हमारे लिए? जी बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आप नंबर दीजिए, आपको हम कभी भी मदद कर देंगे फिर हम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नंबर आप ले लीजिए, मदद की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, बात करते रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलते, ठीक है, और हमारे जो दोस्त लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, भरोसा किसी पे करना चाहिए राह चलते? अभी देखो किसी पे माथे पे लिखा नहीं होता कि वो चोर है बोल के, बात तो इसलिए बात तो ये है असल में, वो पहले तो 2 दिन सही था, बाद में लास्ट में क्या करा, पैसा छोड़ के मोबाइल बात कर रहा था, बोला पैसा मंगा रहा हूँ ये करता हूँ बोल के, तो कुछ भी नहीं बोला, मोबाइल लेके लेते चला गया, रात को तो पैसा निकाल लिया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, फिर पर्स वहीं रख दिया, यहाँ बैग में था, चाय वाय लेके आ रहा था, मैं चलो भरोसा कर लिया, ठीक है बोल के, मेरे को भरोसा हो गया बोल के, इसलिए कुछ नहीं बोला उसको। चलिए ऐसा हुआ। तो भाई साहब हमने तो मदद कर दी, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो है अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी जो है ना दूसरे की मदद किया कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ऐसे सफ़र में बहुत सारे लोग आपसे टकराएंगे, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग आपकी जितनी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर मदद करनी चाहिए, मानते हैं। और आप भी जो है ना, आपके साथ कोई गरीब बंदा मिले जो आपसे भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में हो, तो आप भी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर मदद कीजिएगा, है ना। मैं तो देखो बचपन से हेल्प करते आ रहा हूँ सबको, नहीं ठीक, अगर हेल्प किया है तो ऊपर वाले ने मेरे जरिए मतलब उनके जरिए मैं मिला आपको, है ना, क्योंकि जो हमारा माँ है ना हम उसको याद करेंगे तो आवाज़ सुन लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी मंजिल पे हमको पहुँचा दे, जरूर जरूर जरूर, ऐसा है बात, हम माँ पे बहुत भरोसा करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जिनकी ट्रेनें लेट हैं या जिनकी ट्रेन जो है कल आने वाली है लेट भी लेट, देखिए कितने पब्लिक जो है यहाँ पे सो रखी है अभी। तो भाई साहब देखो ये भाई का जो है ये ट्रेन आ गई है भोपाल के लिए, भोपाल से मैंने आपको बता दिया, सारा लिख के दे दिया है, है ना, और ये भाई जो है ना वहाँ से चला जाएगा, और अभी जो है इनको जो है इसमें डिपार्च करा देते हैं, इस ट्रेन आ चुकी है, इनको बिठा देते हैं आराम से, और फिर जो है ये रवाना हो जाते हैं, फिर इसके बाद हमारी ट्रेन भी इसी पे आने वाली है, चले फिलहाल जो है इनको बिठा देते हैं, ट्रेन खाली हो जाएगी यहाँ पर। इतनी भाई को जो है यहाँ पे चढ़ा दिया, चलो सर जी जितना हो सका देखो हमारी तरफ से हमने आपके लिए किया, ठीक है, तो चलिए भाई साहब। अरे क्या बात करते हो यार, अरे यार ले ले ले, ना ना चाय पानी पी ले, अरे यार कैसी बात कर रहा हूँ, मेरे से चाहिए मेरे से ले लो मेरे दोस्त, अरे कैसी बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, यार देखो ऐसी वो सोच नहीं है यार, है ना, आप आराम से जाओ, बस आपके सामने कोई आए ना आप ऐसे ही मदद करके आगे बढ़ा देना उसको, ठीक है, क्योंकि देखो यार सबको एक जगह जाना लास्ट में ऊपर ही है, और सबको हिसाब भी देना ऊपर, आपको पहुँचते कि वहाँ मैं किसी दोस्त के नंबर से फ़ोन करूँगा, आप फ़ोन करना, नंबर दिया मैंने आपको, वो नंबर मेरा हमेशा ही रहता है, ये पर्सनल नंबर है, ठीक है, चलिए अच्छे से जाइएगा, कुछ भी हो ना अगर स्टेशन पे भी कोई दिक्कत हो ना आप मुझे फ़ोन ज़रूर करना, ठीक ठीक है, बैठ जाओ आप वहाँ पे आराम से, ठीक है, चाय भी रहते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो, चाय चाहिए बताओ, चाय पिलाऊं, चलिए भाई साहब
ना ना मैं दे रहा हूँ भाई, पहले इनको चाय पिलाते, चाय पियेंगे भाई साहब, तो चाय पिलाते इनको, लास्ट टाइम है ना, तो चले चाय पिला के जो है फिर से जो है हम अपनी ट्रेन के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेन रवाना होते हुए भोपाल के लिए, और भाई को फिर से देखे अंदर रेड कलर का, तो बाय, फिर से मिलेंगे दोस्त, ठीक है चलिए। तो इनको रवाना करते हुए हमारी ट्रेन जो है अब इसके बाद आएगी, इस पर आधे घंटे बाद, तब तक जो है कुछ खा पी लेते हैं, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, चाय पानी कर लेते हैं। Thank you.